नॉलेज होगा जिससे आप भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आइए हमारे साथ, आपको ए टू ये मांगे जेड दूसरे वाले जानकारी दे बाथरूम के पाते अंदर, हैं। इसके अंदर क्या होगा कि ये यहाँ पे इंडियन सीट लगने वाला है, तो इसका भी पॉइंट बना है। ये देखिए साइफन लग के भी फिटिंग हो चुका है, तो इसको भी आप किस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये दूसरे वाले पाइप, बाथरूम से पाइप यहाँ आया और 4 इंची का, और यहाँ पे देखें सेम सेम वाइटी लगा है, और वाइटी लगने के बाद आप इस तरीके से इसको फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे और जगह जगह पे नीचे पे आपको ईंटा रख देना है, बाकी में इसमें जाम भी करेंगे तो आपको देखेंगे। ये जो है आपको साइफन आपको पीछे से 9 इंची रखना है, साइड से सेम 22 इंची पे आपको फिटिंग करना है, सेंटर देना है इसको। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए पीछे का दीवाल है, और पीछे के दीवाल से आपको क्या करना है, नौ आपको इंची पे क्या रखना करना है, है, यहाँ पे 22 इंची पे आपको पॉइंट बनाना है। इसके बाद यहाँ पे सेम एक वाइटी लगा है, और इसका लेवल लेते हुए देखते हुए ध्यान रखना है। और यहीं से एक ये चला गया बाथरूम के अंदर में, और यहीं से ये बाहर यहाँ चला गया देखेंगे है। तो ये जब यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट लग जाएगा, सीट जब लगेगा तो पीछे में यहाँ पे फ्लश के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक नल का भी पॉइंट है, तो आप इस तरीके से फिटिंग करेंगे। इसके बाद इस दीवार से आपको क्या करना है, 34 इंची पे रखना है, और इस दीवार से भी आपको सेम यहाँ पे 34 इंची पे फिटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे एक हैंड को वॉश करने के लिए, पैर वगैरह धोने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा नल भी है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ भी हो सकता है। प्लस में आपको दिखा, ये तो टोटली वर्क हो चुका है कंप्लीट। अब इसके अंदर जो भी राजमिस्त्री का काम है इसको पूरा कंप्लीट करना, हमारा यहाँ पे काम टोटली वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस तरीके से फिनिशिंग अगर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ देखिए साइफन के अंदर में भी पानी यहाँ पे डाल रहे हैं, देखिए इस तरीके से पानी आपको यहाँ तक जो है लेवल, देखिए ये पानी आपको यहाँ पे इस तरीके का